हरियाणा में बीजेपी ने चली बड़ी चाल, पर्दे के पीछे भाजपा और जजपा की दोस्ती, कांग्रेस फंसी मझधार में। हरियाणा की सियासत में इस बार का लोकसभा चुनाव रोचक बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बड़ा ही अहम दाव चला। तकरीबन 4.5 साल से सत्ता में शामिल सहयोगी दल को बाहर का रास्ता दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस के रास्ते में रोड़े खड़े कर दिए। किसान आंदोलन एवं महिला पहलवानों के आंदोलन के बाद भाजपा से जाट वोटरों की नाराजगी को देखते हुए भाजपा ने ऐसा कदम उठाया, यह भी कहा जा रहा है। भाजपा और जजपा के पर्दे के पीछे की दोस्ती चल रही है। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मुलाकात की। उसके बाद वही केंद्रीय मंत्री अमित शाह दुष्यंत की पार्टी जजपा की तारीफ करते दिख रहे हैं। इन गतिविधियों को देखते हुए साफ लग रहा है बीजेपी ने जजपा से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए गठबंधन तोड़ा है। भाजपा जाट वोटरों के बंटवारे के लिए सब कर रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा मामला क्या है, हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जजपा के बीच भले ही गठबंधन टूट गया, लेकिन दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव में फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण मैच खेले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा द्वारा जजपा को उसकी पसंद की हिसार और भिवानी लोकसभा सीटें नहीं दिए जाने से दोनों दलों का गठबंधन टूट चुका है, जिसके बाद जजपा ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जजपा अब लोकसभा स्तर पर बैठक कर यह तय कर रही है उसे किस लोकसभा सीट पर किस समीकरण से अपने उम्मीदवार उतारने हैं। फिर शुरू हो सकता है याराना। पिछले दिनों जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया था, इसके बाद भी दोनों दलों के नेताओं में एक दूसरे के प्रति कोई कटुता का भाव नजर नहीं आया। ऐसे में संभव है लोकसभा चुनाव में जजपा भाजपा को फ्रेंडली मैच के जरिए सियासी फायदा पहुंचा दे। भाजपा और जजपा दोनों दलों का गठबंधन टूटने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मुलाकात और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जेजेपी की तारीफ करने से यह संभावना हकीकत में बदलती दिखती है। जजपा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से कांग्रेस बहुत परेशान है। उसे लग रहा है यदि जजपा प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ी तो वह कांग्रेस के वोट काटने का काम करेगी, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। जजपा की इस रणनीति पर भाजपा को कोई ऐतराज नहीं। अभी तक भाजपा ने ही सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी की सूची अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इसी बीच जजपा का सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी जजपा। भाजपा और जजपा दोनों दलों का वोटर अलग है। हरियाणा में भाजपा गैर जाट की राजनीति करती है। जजपा का फोकस ज्यादातर जाट वोटों पर रहता है। हालांकि जजपा के कई विधायक गैर जाट थे। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जजपा को भाजपा के खिलाफ वोट मिला था। अब इनका अलग होना कहीं न कहीं दोनों के लिए फायदे का सौदा है। लोकसभा चुनाव में जजपा का उतरना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। वजह, जजपा के मूल वोटर जाट हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के भी इस वोट बैंक पर मजबूत से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अब जाट वोटर 3 जगह कांग्रेस, जजपा और इनेलो में बढ़ सकते हैं। यह अलग बात है कांग्रेस सभी जातियों के साथ होने का दावा करती है। इनेलो की बात करें तो वह भी अपने खोए हुए जाट वोट बैंक को वापस लाने के प्रयासों में लगी है। इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा और कांग्रेस को नुकसान।